गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 1 अक्टूबर है। आनंद रस रत्नाकर का आज का जो पृष्ठ है वो परम पूज्य महाराष्ट्र ने एक संत के बारे में ज़्यादा विस्तार में तो नहीं, संक्षेप में 117 से 124 7-8 पृष्ठों में लिखवाया था, और भी अनेक संतों के बारे में लिखवाया। तो आज जिस संत के बारे में हम महाराष्ट्र से सुनने जा रहे हैं, उनका नाम था मोकलपुर के बाबा। तो शीर्षक दे दिया है मोकलपुर के बाबा के, मोकलपुर बाबा के उपदेश, क्योंकि उपदेशात्मक बातों को ही आज के पृष्ठ में ज़्यादा लिया है। उनकी जीवनी के बारे में जो महाराष्ट्र ने लिखवाया है वो यत्र तत्र बहुत कम लिया। स्वाभाविक है कि जिनकी रुचि होगी तो वो पावन प्रसंग ये पुस्तक जो मैं लाया हूँ तो उसमें से लोग पढ़ लेंगे, और हम भी आज कुछ बातें उनके जीवन के बारे में इस पुस्तक में से पढ़ेंगे। उपदेश तो यहाँ है ही है। परम पूज्य महर्षि ने जो ये संतों के संस्मरण लिखवाए तो उसमें जो महर्षि का भाव था वो यही था कि वे स्वयं तो उन संतों के पास उनका सानिध्य प्राप्त किए, उनकी कृपा प्राप्त की, उनका सब प्रकार से जो संतों का जब जीवन था उनके जीवन से अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त की, और स्वयं एक बहुत उच्च कोटि के संत के रूप में महर्षि का जो लोगों ने स्वरूप देखा, हमको तो सौभाग्य मिला 6 साल उनकी सेवा में रहने का। तो ये जो संतों के चरित्र, भले हमने उनके दर्शन न किए हों तो भी उनके उपदेश, उनके जो चरित्र में बातें ऐसे प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा लिखवाई जाती हैं या बोली जाती हैं, जिनको भक्त लोग लिख लेते हैं, उनका जो पढ़ना सुनना ये भी एक बहुत बड़ी साधना मानी गई। यहाँ तक कि इस समय वर्तमान में भक्तमाल नाम की एक जो भक्तमाल नाम का जो एक ग्रंथ है नाभा जी के द्वारा रचित है, तो उन्होंने पद में और बहुत ही छोटे छोटे पद में बहुत ही संक्षेप में भक्तों के संतों के चरित्र सभी युग में जो जो हुए, त्रेता में हुए भक्त, द्वापर में हुए, सतयुग में हुए, कलयुग में हुए, और कलयुग तो अभी चल ही रहा है, तो उन्होंने उस समय संकलन किया और फिर बाद में लोगों ने उन्हीं पदों पर जिन संतों का उन्होंने बहुत संक्षेप में चरित्र वर्णन किया भक्तमाल में, उस पर बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई। प्रियादास जी की टीका बड़ी प्रसिद्ध है, और आगे चल के गणेश दास जी जो महाराष्ट्र के समय तक यानी हमने भी दर्शन किए हैं, तो उन्होंने और भी अयोध्या के एक संत ने उन्हीं नाभा जी के द्वारा लिखे गए और प्रियादास जी के द्वारा उसको और सुंदर जो उभारा, तो इन दो महापुरुषों ने 4 खंडों में, बड़े बड़े खंड
एक एक भक्त के चरित्र को विस्तार में लिखा है। और वो भक्तमाल यानी जैसे रामायण है तो रामायणी जी रामायण कथा करने वाले होते हैं, ऐसे भक्तमाल तो भक्तमाल की कथा करने वाले भक्तमाल हैं। परमेश्वरानंद जी को का दर्शन करने आए थे बिहारी दास जी, बहुत उच्च कोटि के भक्तमाली। भक्तमाल नाम पड़ जाता है क्योंकि भक्तमाली भक्तमाल ग्रंथ में से कथाएं सुनाते, संतों के चरित्र भक्तों के चरित्र सुनाते। तो ये सुनना आज भी बिहारी जी एक भोग लगता है तो उनको एक प्रकार की सेवा है। कहाँ बैठते हैं वो मैं स्वयं तो नहीं गया हूँ, राम नरेश जी जाते हैं तो वहाँ जब तक भोग लगा रहता है तब तक वे भक्तमाल की कथा वहाँ सुनाते हैं। राम भैया ने इधर भक्ति के 64 अंग तो उसमें रूप गोस्वामी जी के जो बताए हुए 64 अंगों का वर्णन किया, उसमें ये भी आया है कि भगवान को जब तक भोग लगावें तब तक भगवान को भक्तों के चरित्र सुनावे। भगवान को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री ने जो लिखवाए उसमें 9 संतों का इस आनंद रस रत्नाकर में ले लिया गया है और 3 महीनों में यानी जून में नवंबर और दिसंबर में संत का चरित्र नहीं है, पर जितने मुख्य मुख्य महाराज श्री ने लिखवाए और भी बहुत सारे विद्वानों के और जो सदगृहस्थों के लिखवाए थे समय समय पर, उसका पूरा संकलन इस पावन प्रसंग में है। तो इसके सुनने से हमको जीवन में प्रेरणा मिलती है और हमको ये भी जानने को मिलता है कि कैसे कैसे सिद्ध संत हुए। इस समय क्या हो रहा है कि जो बहुत ही सामान्य लोग हैं जो कि संतों की जिनको पहचान नहीं है और उनकी श्रद्धा से ही कोई वो चमत्कार का अनुभव करते हैं किसी महापुरुष में, तो ठीक है उनकी जो यात्रा है अध्यात्म की, तो अध्यात्म की यात्रा तो नहीं कहनी चाहिए पर उनकी जो श्रद्धा है तो श्रद्धा से वो लाभान्वित होते हैं और वो आस्तिक बने रहते हैं। परंतु ये जो चरित्र महापुरुष द्वारा लिखवाए जाते हैं वो उसका महत्व तो इसलिए ज़्यादा है कि हर किसी को ये लोग, क्योंकि शास्त्रों में किसको संत कहा है उन्हीं के प्रति उनकी श्रद्धा होगी, क्योंकि शास्त्रों का उनको ज्ञान है। तो शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण सिर्फ कोई चमत्कार कर रहा है तो ये चमत्कार वगैरह तो बहुत मामूली चीज़ है, ये तो भूत आदि को सिद्ध कर लेते हैं और वो जो है भूत ही बता जाता है। परंतु ध्यान दीजिएगा इनके चरित्र में भी, आज मैंने पूरा पढ़ा, पहले भी पढ़ा था पर स्मरण नहीं रहता है, तो बाबा मोकलपुर के यहाँ महर्षि ने स्वयं वर्णन किया है कि वो कोई बात जब बता देते थे तो उनका संबंध था देवी शक्तियों से। तो जितने उच्च कोटि के महापुरुष, इनके लिए एक शब्द आया है कारक पुरुष, तो कारक पुरुष का अर्थ होता है कि वहाँ से भेजे जाते हैं। ये जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो इस सृष्टि में समय समय पर वहीं से ब्रह्मलोक से ये कारक पुरुष भेजे जाते हैं कि आपको जाके और बहुत बड़ा काम करना है। तो मोकलपुर के बाबा का कारक पुरुषों में गिनती थी। तो देवी शक्तियों से जो संबंध रहता है यानी क्योंकि वहाँ से भेजे जाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो उनको सहज रहता है कि कौन सी घटना घटित होने वाली है, क्या होने वाला है, यद्यपि वो उसका प्रदर्शन नहीं करते और वो उनको वो भी एक प्रकार का आदेश है
तो इसलिए, पर फिर भी कभी कभी अभिव्यक्ति जब हो जाती है तो ऐसे जो महर्षि जैसे व्यक्ति हैं वो पूछेंगे कि भाई आपको कैसे पता लगा, आपने ये जो घटना बता दी कि भाई 3 दिन बाद भूकंप आएगा या 3 दिन बाद ऐसी घटना होगी, ये आपको कैसे पता लगा। तो महर्षि ने वहाँ लिखा है कि उन्होंने जवाब दिया कि गंगा जी ने आकर हमको बताया। तो वो जब मैं पढ़ रहा था तो हमको स्मरण आया कि महर्षि को ये प्रश्न पूछा गया, पवन कुमार कानूड़िया, अब उनका शरीर नहीं रहा, राधाकृष्ण कानूड़िया जी के पुत्र, तो महर्षि की सेवा में रहते थे। तो एक दिन पूछा पवन कुमार ने महर्षि को, क्योंकि ये लोग देखते थे कि महर्षि कोई घटना होने वाली होती थी उसको बता देते थे कभी कभी, तो कोई घटना घटित हो गई होगी जो उन्होंने बताई। तो इसने सहज ही पूछा कि आपको ये कैसे मालूम पड़ता है महर्षि, हम वहीं खड़े थे। तो महर्षि ने कहा कि हमको बाबा बता जाते। तो उड़िया बाबा जी महाराज से महर्षि का ऐसा घनिष्ठ संबंध था जैसे इनका देवी शक्तियों से, और गंगा जी, तो गंगा जी का तो इनके जीवन में, मोकलपुर के बाबा में, बाबा के जीवन में वो प्रसंग, शर्मा जी ने तो पूरी पुस्तक पढ़ी है, सूरत वाले शर्मा जी ने, पर ये ग्रंथ पढ़ने लायक। तो आज हम इस चरित्र में भी मुख्य मुख्य बातें देखेंगे। यहाँ तो पहले इस पृष्ठ को पूरा कर लेते हैं जो हमारे सामने हैं, फिर जितना समय बचेगा तो कुछ बातें मैं पुस्तक में से भी सुनाऊंगा, क्योंकि ये दो चरित्र बहुत ही अद्भुत हैं, एक मोकलपुर के बाबा का और एक उड़िया बाबा का। बाकी जो 7 चरित्र हैं, हरि बाबा, प्रेमपुरी जी महाराज, कर्पात्री जी महाराज आदि आदि, वो तो थे ही संत ही थे, महापुरुष ही थे, पर ये कारक पुरुष का यानी हम लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, और वे किस कार्य के लिए आते हैं और क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये अद्भुत है। और ये हम कब जानेंगे, जब महर्षि जैसे प्रामाणिक महापुरुष उनके बारे में बतावेंगे। एक सामान्य व्यक्ति भी, एक अभी आई थी तो अपने अनुराधा के साथ शायद देवी जी, तो बता रही थी बहुत सारी बातें, कोई छतरपुर के महात्मा या जो भी हैं, तो ठीक है उन लोगों को ज्ञान नहीं है कि ये महापुरुष क्या होते हैं। तो सामान्य अपने जीवन में कोई घटना घटित हो गई, ठीक है, उसके हम खंडन नहीं करते, पर असली जो बातें जानने को मिलती है, जैसे विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को जाना, तो विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर मैं अपने गुरु के बारे में कहूँ तो यानी कुछ कहने को रह ही नहीं जाता, यानी कि उनका भाव ये था कि मैं कुछ नहीं हूँ, अपने गुरु के सामने मैं कुछ नहीं हूँ। अंतिम वाक्य सुना के गए स्वामी अनुभवानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी का कि कभी गुरु मत बनना, क्यों, जैसे ही तुम गुरु बनोगे वैसे ही ज्ञान के सब द्वार बंद हो जाएंगे। तो जो संत महापुरुष ईश्वर कोटि के, उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, जो सामान्य साधक हैं जिनके हृदय में रहता है कि भाई हम भी गुरु बने, हम भी है ना चेला बनावें, तो क्या कह रहे हैं साधक के लिए कि कभी गुरु नहीं बने, मरते दम तक साधक बने रहे, उनका अंतिम वाक्य था अनुभवानंद जी का। तो उसने कारण बताया कि रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसा क्यों कहा, जो साधन भजन कर रहे हैं उनके लिए, कि ज्ञान के सब द्वार बंद हो जाते हैं जैसे ही व्यक्ति गुरु बन जाता है। सामान्य जो शिष्य हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वो गुरु को ईश्वर मानने लगते हैं, ईश्वर मानते ही भाव से मानना भी चाहिए, और इसको मूर्ख को समझ में आता है कि मैं ईश्वर,
तो ये भ्रांति हो जाती है और फिर वो किसी के सुनता नहीं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इन्होंने भी सामान्य रूप से जब महर्षि जाते थे पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में, इन्होंने भी यही कहा। महर्षि आज के पृष्ठ में बताएंगे कि उपदेशक नहीं बनना। तो अब ये होता क्या है कि ऐसे महर्षि जैसे महापुरुष, यानी वो तो सामान्य एक बात कह रहे हैं महापुरुष, पर भगवान को महर्षि से क्या कार्य लेना है ना, वो बात अलग है। उसका भी वर्णन महर्षि स्वयं करेंगे। यहाँ संक्षेप में लिया है, वहाँ विस्तार में है। मुकुलपुर बाबा के उपदेश, मैं केवल एक अर्थ में भाग्यवान हूँ, जब से होश संभाला तब से मैं किसी न किसी संत की छत्र छाया में ही रहता आया। संतों की मुझ पर कृपा रही है, उन्होंने मुझे अपना समझा। हमेशा ध्यान रखिएगा, सूर्य प्रकाश सबको दे रहा है, पर हमको जो दरवाजे और खिड़कियां बंद करके कमरे में बंद हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, हमको बाहर आना पड़ेगा। संत सब पर कृपा कर रहे हैं, पर जो संत कहते हैं ये करो ये नहीं करो, वो जब हम करेंगे तब उस कृपा का अनुभव होगा। अच्छा, समझ लो कि नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, दुखी बने रहो, है ना। पूरा जो हमारा जीवन है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी रहें, पर सुखी रहने की जो कला है, जीवन में सुख लाने की जो कला है, वो तो जब संत भगवान जो बताते हैं उसका जब हम जीवन में आचरण करेंगे तब वो कृपा का अनुभव होगा। ये नहीं समझना चाहिए कि उन पर कृपा ज़्यादा हो रही है, हम पर कम हो रही है। हम जितने अंशों में उनके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे उतने अंशों में हम कृपा का अनुभव करेंगे। तो महर्षि तो बड़े गुणग्राही थे, तो संतों की बात छोड़िए, सामान्य व्यक्ति में भी कोई गुण दिखाई देता था तुरंत ले लेते। बता रहे थे संत जी, हमारे सब गुरु हैं, आप लोग सब गुरु हैं। सन 1930 के लगभग की बात है, मैंने सुना काशी से 6-7 कोस की दूरी पर गंगा किनारे एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। उनकी कुटिया जिस स्थान पर है उसे गंगा जी चारों ओर से घेरे रहती है। ये महर्षि ने सुना। वे किसी से कोई संबंध नहीं रखते, कोई दुखिया रुग्ण उनके पास आता है तो उसके लिए कुछ खरपात घास फूस उठाकर दे देते हैं और वो भला चंगा हो जाता है। तो महर्षि कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि ये सुना तो हमने सही, पर हुआ क्या कि यद्यपि उन दिनों मेरे मन में सिद्धियों के प्रति कोई आस्था नहीं थी, फिर भी उनकी सिद्धियों की बात सुनकर मैं आकर्षित हुआ। महर्षि के पूरे जीवन में कभी भी सिद्धियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था और न ही वो अपने उपदेश में प्रवचनों में इस प्रकार की कोई बात कहते थे कि जिससे लोग सिद्धियों के पीछे भागे। पर यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी अद्भुत बात ये हुई कि हमने जब ये सुना और हमारे मन में सिद्धियों के प्रति आस्था नहीं भी थी, पर देखिए ठाकुर जी को मिलाना था, तो मुगलपुर के बाबा कहेंगे भी कि ठाकुर जी करते क्या। तो मैं आकर्षित हुआ और अपने एक मित्र के साथ दर्शनार्थ यात्रा की। बाबा का ज्योतिर्मय मुखमंडल और सौम्य स्वभाव मेरी आँखों के सामने बार बार नाच जाता था। यानी एक बार दर्शन हुए और फिर महर्षि कह रहे हैं कि उनकी वो जो छवि है मन में बस गई। अच्छा, अब यहाँ उपदेशों का संकलन है, उनको सुन लीजिए। बाबा कहते, जब कुछ नहीं था तो इतना प्रपंच फैल गया, जब तुम कुछ करोगे तब तो कभी मिटाए न मिटेगा, इसका बखेड़ा और भी बढ़ जाएगा। केवल जो तुमने अज्ञान व संसार का बंधन बना रखा है उसे ज्ञान के द्वारा काट डालो। ये परमपूज्य महर्षि को ये जो उपदेश था महर्षि बाबा का, मुगलपुर के बाबा का, ये बहुत 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 प्रिय था। ये जो प्रथम पंक्ति है, जब कुछ नहीं था तो इतना प्रपंच फैल गया,
यानी भगवान ने जब सृष्टि की कुछ नहीं था, संकल्प किया और इतना सब बखेड़ा हो गया। अब उस बखेड़े में हम भी हैं। अब हम जब कुछ करने जाएंगे तो बखेड़ा वो बढ़ेगा, जब तुम कुछ करोगे तब तो कभी मिटाए न मिटेगा। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ करेंगे तो उसमें हमारी प्रीति हो। स्वामी ओंकारानंद जी ने जो सेवा की महाराष्ट्र की, तो जब वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसमें व्यक्ति बोलना चालना बंद, और एक जो है टेम्पररी होता है, थोड़ी देर लगा दिया और हटा दिया। तो उस टेम्पररी वेंटिलेटर पे थे और श्रवणानंद जी वहाँ पहुँच गए थे, उस समय भी कहते थे देखो वो नृत्य गोपाल मंदिर का कांच टूटा हुआ है, उसको ठीक कर लेना, वो हाथी बाबा का विद्यालय उसको जरा तुम देख लेना, आदि आदि। यानी जो उनके हृदय में बातें थी, जबकि पता है कि भाई अब मृत्यु का समय आ गया है। तो कहने का अर्थ है कि जो कहावत है कि अपनी बेबी, यानी उसमें ममत्व जुड़ जाता है, और वो ममत्व जुड़ जाने से व्यक्ति जो है, तो यहाँ इसलिए बाबा कहा करते थे कि जब तुम कुछ करोगे तब तो कभी मिटाए न मिटेगा। यानी ये तो मैं महाराष्ट्र की, ये तो मैं स्वामी ओंकारानंद जी महाराज की बात सुना रहा हूँ, महाराष्ट्र के शिष्य की, पर स्वयं महाराष्ट्र उनका भी हम चूँकि सेवा में रहे, कितने सावधान थे वे। यद्यपि वो स्वयं मुक्त थे, ऐसा नहीं कि मरने के बाद मैं मुक्त होऊंगा, ऐसा नहीं था, उनको पता था कि मैं मुक्त हूँ, पर हमको सिखाने के लिए कहते थे कि कोई भी सांसारिक बात, जबकि अपने जीवन भर में संसार के लोगों के प्रति उनकी करुणा, उनके जो भी है ना समस्याएं थी उनके प्रति उनका जो समाधान आदि, पर उस समय वो नहीं चाहते थे कि कोई सांसारिक बात आवे। स्पष्ट उनका एक वाक्य था कि क्या हम मरते समय यही सब सोचते हुए मरेंगे? कौन संत बता रहे हैं जो कि जन्म मृत्यु के परे हैं, वो भी सावधान है कि मरते समय हमको ये सब। तो ये क्यों कह रहे हैं मुकलपुर के बाबा कि जब तुम कुछ करोगे तब तो कभी मिटाए न मिटेगा, यानी इस जीवन में तो नहीं ही मिटेगा, पर राजा भरत को हरिण का जन्म लेना पड़ा, यानी उसका अगले जन्म में भी दूसरा उपदेश उनका देख लीजिए, वो भी बहुत गजब का है। आत्मसमर्पण का अर्थ है कि मैं असमर्पित हूँ, इस भावना को समूल उखाड़ फेंका जाए। नचाते तो भगवान हैं, परंतु मानते हैं कि हम स्वतंत्रता से नाच रहे हैं, इस मान्यता को नष्ट करना होगा। आत्मसमर्पण यानी जो अंतिम स्थिति है शरणागति की, जब तक हमारे में कर्ता भाव है तब तक तो हमको ये देखना है। तुलसीदास जी ने जो कहा, गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, गुण जो भी हमारे में है वो भगवान के हैं, सद्गुरु के हैं, और दोष जो है वो हमारे हैं। पर वो जो बहुत उच्च कोटि का साधक है, जो कि पूर्ण शरणागति का अनुभव करना चाह रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को तो शुद्ध कर लिया, अब तो कोई दोष नाम की चीज़ है ही नहीं। तो ऐसे जो शुद्ध हृदय वाले हैं उनके लिए बाबा कहते थे कि भाई नचाते तो भगवान हैं, परंतु मानते हैं कि हम स्वतंत्रता से नाच रहे हैं। यानी वो जो छोटा सा भी अहम है वो भी हट जाना चाहिए। कैसे हटेगा? तो मैं असमर्पित हूँ, इस भावना को समूल उखाड़ फेंका जाए। समूल यानी अज्ञान के कारण अभी हमारा वो अहमता ममता भले बिल्कुल नहीं के बराबर है, पर वो बनी हुई है। तो अज्ञान को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं, इसलिए समूल उखाड़ कर फेंका जाए।
इस मान्यता को नष्ट करना होगा। कौन सी मान्यता? कि मैं असमर्पित हूँ। तुम पहले से ही समर्पित हो। अर्जुन को कहा भगवान ने, निमित्त मात्रम भव सव्य साचन, तुझे करना कुछ नहीं है। दत्तावधू जी क्या सुनाए, सुना गए कि तुम जो है बस बाण चलाते रहो, और मैं रथ को जिधर करना है यानी जिसको मारना है वैसे मैं रथ कर लूँगा, तुम बस बाण चलाते रहो। यानी क्या गजब की बात सुना गए। तो क्या कह रहे हैं, नचाते तो भगवान हैं परंतु मानते हैं कि हम स्वतंत्रता से नाच रहे हैं। इस मान्यता को नष्ट करना होगा। यह मान्यता संसार के स्वरूप पर, अपने जीवन के स्वरूप पर विचार न करने के कारण है। महात्मा जी सुना गए, बस चिंतन विचार, विचार से ही ये बंधन कटेगा। इसको समझे बिना निस्तार नहीं हो सकता, चाहे ये बात सद्गुरु से समझी जाए या भगवान स्वयं समझाएं। अगला उनका उपदेश जो यहाँ संकलित किया गया है, कहा करते थे कलयुग के जीवों से ध्यान समाधि तो बनने की नहीं, तो फिर क्या करें वे? केवल भगवान के नाम के आश्रय से ही वे कल्याण साधन कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन होए ही पारा। अब महर्षि कुछ बातें जो महर्षि को कही उन्होंने, बाबा बार बार मुझसे कहा करते थे कि उपदेशक नहीं बनना। मैंने एक पुस्तक लिखी थी संस्कृत में, तत्व रसायन। बाबा ने कहा इतने ग्रंथ पढ़े हैं उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं, अब ये नया भार क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें कागज काला करने का शौक तो नहीं है? मैंने वह पुस्तक गंगा जी में डाल दी और निश्चय किया कि अब कभी नहीं लिखूंगा। परंतु मेरे निश्चय से क्या होता है, निश्चय तो किसी दूसरे का काम करता है। ऊपर बता दिया बाबा ने, नचाते तो भगवान है, है ना? तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं, क्योंकि महर्षि बहुत सावधान थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने पुस्तक की बात कही तो गंगा जी में डाल दी। और बाद में आगे चल के देखा कि ठाकुर जी गीता प्रेस में पहुंचा दिए, है ना? वहाँ भी बहुत सारा उनको लिखना पड़ा। यहाँ एक वाक्य और महर्षि ने वहाँ कहा है मूल पुस्तक में, कि हमको क्या पता था कि इनका संस्मरण भी हमको लिखवाना पड़ेगा। यानी मुकुलपुर के बाबा का ये जो पढ़ रहे हैं वो भी तो, है ना, भगवान ने लिखवाया। तो निश्चय तो किसी दूसरे का काम करता है, यानी ये जो कारक पुरुष हैं वो सामान्य रूप में एक उपदेश कर रहे हैं, और वो जो दूसरे कारक पुरुष हैं, महर्षि भी कारक पुरुष थे, है ना? तो इसलिए वो बात एक, जब वो साधक के रूप में महर्षि जाते थे पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में, तब उन्होंने ये बातें कही। और महर्षि के चित्त पर इसका वो जो असर है, बाकी तो जो कार्य है ठाकुर जी करवाते रहे वो करते रहे, पर ये जो बाबा ने कहा कि इतने ग्रंथ पढ़े हैं उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं, ये महर्षि के जीवन में इसका असर अंत तक रहा। हेमलता और रतन सिंह भाई खटाऊ ने कहा कि आपके प्रवचन ग्रंथ के रूप में छप जाएं, एक संस्था बन जाए, लोगों का कल्याण होगा। महर्षि ने अपने को बिल्कुल उससे अलग रखा। सच साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट बना, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इसमें कुछ भी नहीं रहेंगे, वो बाबा के कारण। यानी आज हमको वो बात ध्यान में आ रही है, उस समय ऐसे महर्षि ने कुछ कहा नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। महर्षि उस ट्रस्ट में कुछ नहीं थे, न अध्यक्ष न प्रेसिडेंट। हाँ, महर्षि का इतना जरूर था कि भक्तों का भाव देखते थे तो बिल्कुल उसके लिए निषेध नहीं करते थे। कोई धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं है, है ना, जिस कार्य से सचमुच में लोगों का, पर वो स्वयं इसमें सम्मिलित नहीं है। राज वही ग्रंथों के कारण, है ना, जो कि महर्षि की कृपाई थी कि वो छपे, हम लोगों का कल्याण हो रहा है। पर ये उनके व्यक्तिगत जीवन में ये बात देखी गई कि वो जो बाबा ने कह दिया था कि
कि इतने ग्रंथ पढ़े हैं, उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है ना, तो अब ये नया भार क्यों बढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत का आज वो ग्रंथ होता है जिसको महर्षि ने गंगा जी में डाल दिया, तो जैसे शंकराचार्य जी के ग्रंथ हैं तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि आदि जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वैसा ग्रंथ था, तो बिना किसी विचार के उसको डाल दिया। उसका परिणाम क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। महर्षि ने कभी इस बात को नहीं कहा, पर हमारी दृष्टि गई महर्षि की कृपा से। ये जो विद्वत्ता का अभिमान रहता है व्यक्ति में, मुकुलपुर के बाबा ने ऐसी कृपा की कि वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उस घटना के बाद महर्षि के जीवन में ये स्पष्ट रूप से देखा गया कि उनको अपनी विद्वत्ता का रत्ती भर भी अभिमान नहीं था। संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, पर उनको कहीं न कहीं सूक्ष्मता में अपनी विद्वत्ता का अभिमान बना रहता है। अच्छा, अंत में पृष्ठ पूरा हो रहा है, कह रहे हैं ये मैंने देखा था कि कोई कहीं दुखी होता तो बाबा उसके लिए व्याकुल हो उठते थे। उनके हृदय में अपार करुणा थी, जीवों पर स्वाभाविक कृपा थी, और यही संतों का विशेष गुण है। यद्यपि उनकी कृपा हम लोगों पर निरंतर बरस रही है, तथापि वे और विशेष कृपा करके ऐसी योग्यता प्रदान करें कि हम शुद्धांतकरण होकर उनकी कृपा का अधिकाधिक लाभ उठाएं। देखिए कितने महर्षि के शब्दों को देखिए, उनकी कृपा हम लोगों पर निरंतर बरस रही है। ये लेख कब लिखवाया जा रहा है? बाबा का शरीर पूरा हो गया, मुगलपुर के बाबा शरीर में नहीं है, पर ये तो जब भौतिक शरीर में रहते हैं तब भी अपने को शरीर नहीं मानते हैं, तो तत्व रूप से तो बाबा आज भी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो सामान्य कृपा है वो तो सभी पर बरस रही है, पर विशेष कृपा का आह्वान कर रहे हैं। ये विशेष कृपा का आह्वान हम लोगों को भी करना इसलिए ज़रूरी है, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कि ऐसी योग्यता प्रदान करें, है ना, वो जब विशेष कृपा होगी तब हमारे में योग्यता आएगी। तो अब वो विशेष कृपा का जब हम आह्वान करेंगे, यानी ये जो महापुरुष कहते हैं उनके उपदेशों का जीवन में पालन करेंगे, मना करते हैं वो नहीं करेंगे, जो कहते हैं वो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो योग्यता हमारे में आएगी, और योग्यता आएगी तो उससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उनकी कृपा का अधिकाधिक लाभ उठा सकेंगे और उनकी छत्र छाया का निरंतर अनुभव कर सकेंगे। अनुभव होगा कि हर क्षण वो हमको हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी है ना उसके उनके रूप में। तो इसलिए महर्षि के लिए स्वामी सच्चिदानंद जी सुनाते हैं कि जब ये नया उनका बना, जो जिस कक्ष में हम लोग जाते हैं, महर्षि रहते थे अध्यात्म विद्या भवन, तो जब आए बम्बई से तो उद्घाटन यानी गृह उसमें प्रवेश होना था, तो दुनिया भर के देवी देवताओं के चित्र कैलेंडर उसमें अंदर महर्षि के कमरे में लगा दिए थे। उड़िया बाबा जी महाराज का भी चित्र था, ओंकारानंद जी को बुलाया, बोले बाबा की ओर इशारा किया, बोले हमारे भगवान ये हैं और बाकी जितने देवी देवता हैं सबको मंदिर में पधरा दो, यानी कैलेंडर वगैरह चित्र वगैरह उनको सबको। तो ये एक बात समझने की है कि हमारा संबंध बनना चाहिए, और वो संबंध जो है वो एक स्वाभाविक होता है। इस कारक कोटि के जो पुरुष होते हैं, यानी उड़िया बाबा जी का ही दर्शन महर्षि मुकुलपुर के बाबा में कर रहे हैं। सदगुरु एक ही रहेगा और उन्हीं की विशेष कृपा का आह्वान कर रहे हैं, तो उनकी छत्र छाया का हम निरंतर अनुभव कर सकें। संत स्वयं भगवान हैं, संत भगवान से भी बड़े हैं, बोलो संत भगवान की। समय पूरा हो गया है तो इसको देख लीजिएगा, पवन प्रसंग है, तो जिसकी जिसको रुचि है वो उसको अवश्य पढ़ें।
नारायण 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 नारायण।